गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेन सर्विंग एंड ज्योरेटिक सर्विंग। ये बेसिक क्लासिफिकेशन या प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग है, जिसमें हमने डिफरेंस पढ़ा था कि जो प्लेन सर्विंग है उसमें अर्थ सरफेस इज कंसिडर एज ए प्लेन। फ्लैट माने हम कंसिडर करते हैं, द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इग्नोर करते हैं, द लाइनिंग ज्वाइनिंग एनी टू स्टेशन इज कंसिडर टू बी स्ट्रेट। कोई भी दो पॉइंट उस सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे अगर हम ज्वाइन करते हैं तो उस लाइन को हम स्ट्रेट लाइन मानेंगे। द ट्राइंगल फॉर्म बाय एनी थ्री पॉइंट इज कंसिडर एज ए प्लेन। अगर कोई ट्राइंगल हम यहाँ पे बनाते हैं तो वो भी एक प्लेन ट्राइंगल कहलाएगा, क्योंकि लाइन स्ट्रेट है। द एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर कंसिडर एज ए प्लेन एंगल। ये एंगल भी क्या होंगे? प्लेन एंगल होंगे। कैरिड आउट फॉर ए स्मॉल एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर। 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम एरिया जो होगा उसी में हम प्लेन सर्वे कंसिडर करेंगे। और जियोडेटिक में क्या होता है कि अर्थ की सरफेस को कर्व कंसिडर किया जाता है, कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसिडर किया जाता है। लाइनिंग ज्वाइनिंग एनी टू स्टेशन कंसिडर स्पेरिकल, मतलब लाइन इस तरह से होंगी, स्ट्रेट नहीं होंगी, तो एंगल भी एंगुलर होंगे, स्पेरिकल होंगे, और एरिया जो होगा 250 से ज्यादा होगा। ठीक है, 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू में पूछ ले जाता है और आपके एग्जाम में भी आता है। तो दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं आपके सर्विंग के। फर्स्ट है ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। टू लोकेट अ न्यू स्टेशन बाय एटलीस्ट टू मेजरमेंट लीनियर और एंगुलर फ्रॉम फिक्स रेफरेंस। पहले मैं बेसिक सिंपल लैंग्वेज में इनको बताता हूँ, उसके बाद हम बुक की लैंग्वेज में इनको जानेंगे कि क्या कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्या कह रहा है फर्स्ट प्रिंसिपल, ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, नॉट पार्ट टू होल। ठीक है, पार्ट टू होल का मतलब है छोटे छोटे पार्ट्स को मेजरमेंट करा हमने और फिर बड़ा एरिया हमने कवर इस तरीके से किया। और होल टू पार्ट का मतलब है कि पहले आउटर में उसकी कंट्रोल पॉइंट एस्टेब्लिश कर लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये एक प्लॉट है और आपने क्या किया, कंट्रोल स्टेशन यानी कि ये मेजरमेंट ले लिए, यहाँ पे इन पॉइंट्स की मेजरमेंट ले ली है पहले आउटर में। अब अंदर की ओर इस तरह से ट्राइंगल बनाते हुए आप छोटे छोटे ट्राइंगल की मेजरमेंट ले रहे हो। इससे क्या होगा, आपका बहुत एरर बहुत मिनिमाइज हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड एरर नहीं होगा। ठीक है, और इसमें आप जब रिवर्स करेंगे तो बहुत मिनिमम एरर आएगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा प्रिंसिपल कह रहा है कि टू लोकेट ए न्यू स्टेशन बाय एटलीस्ट टू मेजरमेंट। कोई एक पॉइंट सी जब आप लोकेट कर रहे हो तो उसको लोकेट करने के लिए आपके पास दो नॉन पॉइंट होने चाहिए। जैसे मान लो ए और बी हमारे पास नॉन है, इनकी मेजरमेंट नॉन है, तो हमें सी पॉइंट लोकेट करना है इन दोनों के रेफरेंस से। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट कह रहा है। एक एग्जांपल देता हूं, शायद आपको उससे समझ में आए। फर्स्ट प्रिंसिपल और वर्क टू होल टू पार्ट, आपको याद होगा आपके स्कूलिंग में जब होमवर्क के लिए चार्ट पेपर पे कोई ड्राइंग बनाने के लिए दी जाती थी। मुझे याद है कि मैंने एक बार एक ड्राइंग बनाई थी, मिक्की माउस बनाया था। तो हमारे पास चार्ट पेपर ये होता था इस तरीके से, और मैंने जब मिक्की माउस का सबसे पहले मैंने फेस आईज बनाई, फिर नोज बनाया, और इस तरीके से जब मैं बनाते हुए उसको चला तो मैंने देखा कि मेरा फेस ही पूरी शीट पे आ गया और मेरे पास उसकी जो बॉडी है बनाने के लिए स्पेस ही नहीं बचा। ये इसलिए आ रहा है कि हमने कैसे किया, ये पार्ट टू होल हमने काम किया, ये पार्ट टू होल हमने छोटे छोटे पार्ट बनाने की। इसलिए ऐसा सबके साथ होता होगा कि आपने फेस से स्टार्ट किया और आपके पास शीट ही नहीं बची उसका बॉडी बनाने के लिए। लेकिन अगर मैं क्या करता, अगर मैं शीट पर पहले डॉट डॉट लाइन से ही पूरा आउटर मिकी माउस बना लेता बॉडी समेत, फिर अंदर की डिटेल को फिल करता, तो हमारा मिक्की माउस बिल्कुल सही से बन जाता। तो वही ये कह रहा है होल टू पार्ट। ठीक है, पहले आउटर में हमने क्या किया, बाउंड्रीज पे हमने कंट्रोल स्टेशन एस्टेब्लिश कर लिया। तो ये दो प्रिंसिपल है बेसिक लैंग्वेज में। अब इसको हम जानते हैं बुक लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में क्या है। ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल, द होल सर्वे एरिया इज फर्स्ट एंक्लोज बाय मेन स्टेशन। ठीक है, कंट्रोल स्टेशन जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, एंड द मेन सर्वे लाइन द एरिया इज देन डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ डिविजन बाय फॉर्मिंग वेल कंडीशन ट्राइंगल, जो मैंने अभी कहा।
ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, मेन स्टेशन कंट्रोल पॉइंट उनको मेजरमेंट कर लिया आउटर में एनक्लोज बाय मेन स्टेशन, फिर उनको डिवाइड कर दिया छोटे छोटे ट्राइंगल्स में, वेल कंडीशन ट्राइंगल में। वेल कंडीशन ट्राइंगल क्या होते हैं, जो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। उनको डिवाइड किया, फिर उनकी हमने सर्वेइंग की। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख सकते हो ये जो कैपिटल में है ए बी सी डी, ये जो कैपिटल में है आपका, ये कंट्रोल पॉइंट्स हैं इस जगह के, जिस जगह का सर्वे करना था, ठीक है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, इन्होंने इसको सेंटर पॉइंट से स्मॉल स्मॉल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे मेजरमेंट की उसी तरह से, इस तरीके से। तो ये है आपका होल टू पार्ट, हमेशा याद रखना है होल टू पार्ट, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, पार्ट टू होल मत कर देना, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं, पार्ट टू होल कर देते हैं, होल टू पार्ट है। अब क्या कह रहा है, द मेन सर्वे लाइंस आर मेजर वेरी एक्यूरेटली, जो भी ऐसे ऐसे कंट्रोल पॉइंट्स है ना मेन, फिर वहां से आपकी सर्वे लाइंस थी, ये भी सर्वे लाइंस है, दो पॉइंट के बीच की लाइन को हम सर्वे लाइन कहते हैं, ठीक है। द मेन सर्वे लाइंस आर मेजर वेरी एक्यूरेटली और विद प्रिसाइज सर्वे इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो मेन सर्वे लाइन है। द रिमेनिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर मेजर द पर्पस ऑफ दिस मेथड वर्किंग टू कंट्रोल एकोमोलेशन ऑफ एरर ड्यूरिंग द मेजरमेंट, इफ देयर इज एनी एरर देन इट विल नॉट अफेक्टेड द होल वर्क, बट इफ द रिवर्स प्रोसेस इज फॉलो देन द माइनर एरर इज मेजर विल बी मैग्निफाइड। जब आपने कंट्रोल पॉइंट्स जो है, जो मेन आपकी सर्वे लाइन है, उनको बहुत एक्यूरेटली और प्रिसाइज सर्वे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है, तो फिर आपका पूरे सर्वे में एरर आने के चांस कम है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है टू लोकेट अ न्यू स्टेशन, न्यू स्टेशन का मतलब कोई न्यू पॉइंट लोकेट करना है, ठीक है। तो बाय एटलीस्ट टू मेजरमेंट, दो मेजरमेंट हमारे पास होनी चाहिए, लीनियर या एंगुलर, फ्रॉम फिक्स रेफरेंस पॉइंट, तभी हम ये सी पॉइंट जो है, डी पॉइंट जो है, ए पॉइंट जो है, हम वो उसको एस्टेब्लिश कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू दी सेकेंड प्रिंसिपल द पॉइंट्स आर लोकेटेड बाय लीनियर और एंगुलर, ये जो पॉइंट है ना, ये जो दो हमारे पास, मान लो पी और क्यू हमारे पास नॉन रेफरेंस पॉइंट है, हमने जो ए पॉइंट हमने एस्टेब्लिश किया है, ये हम बाय लीनियर और एंगुलर किसी भी चीज से या दोनों से हम इसको एस्टेब्लिश कर सकते, जैसे कि पी से एक लाइन है L1 और क्यू से एक लाइन है L2, तो ये जो दोनों लाइन जहां पर मिली L1 L2, ये हो गया पॉइंट ए। तो जो पॉइंट ए एस्टेब्लिश किया है हमने पी क्यू के रेफरेंस से लीनियर मेजरमेंट, ये L1 L2 क्या लीनियर मेजरमेंट है ना। सेम एज अगर मैं केवल ये कहता कि मैंने L1 एक लाइन खींची और L2 एट एंगल थीटा पे लाइन खींची और हमें A पॉइंट मिल गया, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, एक लीनियर मेजरमेंट और एक एंगुलर मेजरमेंट, तो दोनों यूज करके हम थर्ड पॉइंट एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये कहना चाह रहा है। देन न्यू सेकेंड स्टेशन कैन बी लोकेटेड बाय लीनियर मेजरमेंट, लेट ए एंड बी आर कंट्रोल पॉइंट एंड न्यू पॉइंट सी एस्टेब्लिश, जो अभी मैंने बताया वही है बता रहा है। अब इसी प्रिंसिपल को, सेकंड प्रिंसिपल को थोड़ा और डिटेल में बोला गया, फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ लोकेटिंग सी पॉइंट, ये कुछ मेथड्स बता रहा है कि अगर हमारे पास ए और बी रेफरेंस पॉइंट है तो सी पॉइंट को हम कैसे एस्टेब्लिश लोकेट करेंगे, उसके कुछ मेथड्स बता रहा है, ठीक है, देखते हैं। आ डिस्टेंस ए बी कैन बी मेजर एक्यूरेटली, ए डिस्टेंस है आपके पास ए बी, मेजर एक्यूरेटली, देन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द पॉइंट कैन बी देन प्लॉटेड टू द सीट सम स्केल, ओके, कोई स्केल यूज करके जो सी पॉइंट हम एस्टेब्लिश करेंगे वो कैसे, टेकिंग लीनियर मेजरमेंट फ्रॉम ए एंड बी, जो मैंने अभी बताया आपको, L1 लीनियर मेजरमेंट हो गई, L2 लीनियर मेजरमेंट हो गई, और ये पॉइंट हो गया आपका सी। तो फर्स्ट मेथड आप समझ गए, टेकिंग अ लीनियर ऑफ परपेंडिकुलर, लीनियर मेजरमेंट परपेंडिकुलर फ्रॉम डी एंड सी, मतलब ये कह रहा है डी एंड सी, नाम को छोड़ो मैं ए और बी ले लेता हूं, या डी और सी बोल, ए और बी ले लेता हूं, ए बी। अब क्या किया, ए बी से एक परपेंडिकुलर डी पॉइंट पे एक लाइन खींची, ये परपेंडिकुलर लाइन है और लीनियर लाइन है L1 लीनियर, और ये पॉइंट क्या है हमारा सी, तो ये क्या है आपका, ये वाला मेथड है,
सी पॉइंट को लोकेट करने का। टेकिंग वन लीनियर मेजरमेंट फ्रॉम बी एंड वन एंगुलर मेजरमेंट फ्रॉम ए बी सी, वही कि एक लीनियर मेजरमेंट ले ली यहां से और एक एंगुलर मेजरमेंट ले ली यहां से थीटा एंगल पे, और ये एल टू, तो हमने सी लोकेट कर दिया। तो ये मेथड डिस्कस कर रहा था कि अगर हमें ए और बी रिफरेंस पॉइंट पता हो तो हम सी पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे। टेकिंग टू एंगुलर मेजरमेंट, अब ये कह रहा है कि दो एंगुलर या मान लो ए और बी है आपके पास और सी पॉइंट लोकेट करना है, तो दोनों हमारे पास क्या है एंगुलर मेजरमेंट लिए हमने, यहां से थीटा वन और यहां से थीटा टू, और हमें सी पॉइंट मिल गया। टेकिंग वन एंगल एट बी ए बी सी एंड वन लीनियर मेजर फ्रॉम ए एंड सी, वही सेम चीज, डायग्राम भी शायद गिवन होगा, इसको देखते हैं। ये रे डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम में सी पॉइंट लोकेट किया है दो लीनियर मेजरमेंट डी वन और डी टू से, ठीक है। सेकेंड में सी पॉइंट लोकेट किया है एक परपेंडिकुलर लाइन से, डी टू आपका लीनियर मेजरमेंट है। थर्ड में सी पॉइंट आपने लोकेट किया है वन एंगुलर मेजरमेंट और वन लीनियर मेजरमेंट, ठीक है, एक ही साइड से। फोर्थ में आपने सी पॉइंट लोकेट किया है टू एंगुलर मेजरमेंट थीटा वन थीटा टू। फिफ्थ में आपने सी पॉइंट लोकेट किया है एक लीनियर मेजरमेंट दूसरी डायरेक्शन से और एक एंगुलर मेजरमेंट दूसरी डायरेक्शन से, और आपने सी पॉइंट लोकेट कर लिया है। इसके बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सरी। आप दोनों प्रिंसिपल समझ चुके होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। पहला प्रिंसिपल है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, सेकंड प्रिंसिपल लोकेट अ न्यू पॉइंट विद द रेफरेंस ऑफ टू पॉइंट्स, ठीक है, सिंपल से। अब वो जो थर्ड पॉइंट हम लोकेट कर रहे हैं टू रेफरेंस पॉइंट से, उसके तीन चार मेथड है, एक लीनियर एंगुलर, दोनों एंगुलर, एक जगह से एंगुलर लीनियर और परपेंडिकुलर, ठीक है, सिंपल। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग, बेसिक जो प्राइमरी क्लासिफिकेशन था वो क्या था, प्लेन वर्सेस जियोडेटिक, ठीक है, ये याद रखना आप। सर्वे कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरी डिपेंड ऑन द मेथड यूज्ड एंड द नेचर ऑफ द फील्ड एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग है वो मेथड के बेस पे भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट के बेस पे भी हो सकता है, नेचर ऑफ फील्ड है ना के बेस पे हो सकता है। तो सबसे पहले इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें जो इंस्ट्रूमेंट होंगे उनके लिए आपका अलग अलग से चैप्टर में दिया हुआ है, तो वहां पे उनको डिस्कस करेंगे, बस अभी थोड़ा सा बेसिक डिटेल हम जानेंगे। तो सबसे पहले है आपका चेन सर्वे, दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच ओनली लीनियर मेजरमेंट आर मेड अ चेन और अ टेप, एंगुलर मेजरमेंट नॉट टेकन। लीनियर मेजरमेंट आप सभी जानते हो, एक मीटर, दो मीटर, दस सेंटीमीटर, ये सब क्या होता है लीनियर, थीटा वन थीटा टू ये क्या होता है एंगुलर। तो चेन में, चेन जो एक इंस्ट्रूमेंट है चेन, उससे जब हम सर्वेइंग करते हैं तो उससे केवल लीनियर मेजरमेंट होती है, एंगुलर मेजरमेंट नहीं होती। चेन सर्वे के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट हो चेन भी हो सकता है और टेप भी हो सकता है, टेप जो आप आजकल यूज करते हो, ठीक है, वो तो चेन और टेप, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि चेन सर्वे है तो इंस्ट्रूमेंट चेन ही होगा, नहीं, चेन और टेप दोनों हो सकते हैं, तो इसको हम चेन सर्वे कहते हैं। यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिया हुआ है कि इस तरह की चेन होती है जिसमें लिंक्स होते हैं, एक लिंक, दो लिंक, तीन लिंक, हर एक की मेजरमेंट होती है, और ये आपका एंड पॉइंट्स होते हैं। तो कोई भी ए और बी के बीच में डिस्टेंस मेजर करनी है आपको, तो एक एंड पॉइंट यहाँ रखेंगे, फिर ये लिंक होते हैं, ठीक है, इस तरह से यहां तक मान लो तीन लिंक आ गए, एक लिंक मान लो एक फीट का है, तो एक डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 फीट हो गई, लीनियर मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल बेसिक बता रहा हूँ, और भी इसका कॉन्सेप्ट है जिसमें इस पूरी चेन को समझने का, बेसिक बेसिक चीजें हम सीखेंगे अभी केवल क्लासिफिकेशन में, और जब इनका टॉपिक आएगा आपका तब हम इनको सही से समझेंगे। चेन सर्वे के बाद आ रहा है कंपास सर्वे। इसमें कंपास यूज करते हैं जिसमें आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है और एक मैग्नेटिक नीडल होती है, और भी कई काफी टाइप के कंपास होते हैं। तो कंपास सर्वे से हम एंगल्स मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास।
चेन एंड कंपास सर्वे दोनों की हेल्प से, चेन से हम क्या मेजर करते थे, लीनियर, लीनियर मेजरमेंट, और कंपास से क्या करते हैं हम, एंगुलर। तो लीनियर और एंगुलर दोनों मेजरमेंट करने के लिए हम दोनों का यूज कर सकते हैं। इन दिस सर्वे लीनियर मेजरमेंट आर मेड विद द चेन और टेप और एंगुलर मेजरमेंट विद द कंपास, जो मैंने अभी बात की वही कह रहा है। ये यहाँ पे कंपास है, दो टाइप की कंपास है, सर्वेयर और प्रिज्मेटिक कंपास होते हैं, बाद में जानेंगे उनके बीच में डिफरेंस, आप पढ़ भी चुके होंगे और ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये कंपास जो है उसके आपके पार्ट्स हैं, इसके ऊपर भी अभी हम ही नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, और पूरा आपका कंपास सर्वे एक टॉपिक है, इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, आपका कंपास के बारे में डिटेल में जानेंगे तब हम वहाँ पे आएंगे। कंपास सर्वे है ये, आपका एंगल मेजर करते करते आप और लीनियर डायमेंशन चेन और टेप से मेजर करते हुए जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन प्लेन टेबल, इसमें क्या होता है, एक टेबल होती है, इसको हम ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं, इसमें फील्ड वर्क प्लॉटिंग बहुत होता है, सिमुलेशन, यानी कि एक प्लेट टेबल होती है जिसके ऊपर शीट होती है, ट्राइपॉड के ऊपर रखी होती है, इसे ग्राउंड में ले आते हैं, हम क्या करते थे, हम मेजरमेंट करते हैं ग्राउंड में, फिर उस मेजरमेंट को लेके शीट पे ड्रॉ करते हैं, बट प्लेन टेबल में हम मेजरमेंट के साथ साथ उसका प्लान भी, हम ड्रॉ भी शीट पे करते जाएंगे। ठीक है, और डिटेल में इसको हम बाद में पढ़ेंगे। थियोडोलाइट सर्वे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें एंगल भी मेजर कर सकते हैं और आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों एंगल मेजर कर सकते हो और लीनियर डायमेंशंस भी मेजर कर सकते हो चेन और टेप की हेल्प से। तो एक थोड़ा एडवांस इंस्ट्रूमेंट है जो आज के टाइम में यूज होता है, उसको थियोडोलाइट सर्वे कहते हैं। ये प्लेन टेबल जो अभी मैं डायग्राम बता रहा था आपको बना के, वो ये है। ये थियोडोलाइट है आपका, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूं कि प्लेन टेबल, कंपास, सर्वे, थियोडोलाइट, इनके ऊपर पूरा पूरा एक टॉपिक है जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन आज पढ़ रहे हैं तो इसमें केवल हम बस थोड़ा बेसिक सीखेंगे। टैकोमेट्री सर्वे स्पेशल टाइप ऑफ थियोडोलाइट ही होता है, नोन एज टैकोमीटर, इज ऑल्सो डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस इनडायरेक्टली। ठीक है, लेवलिंग सर्वे, दिस टाइप ऑफ सर्वे यूज डिटरमाइन द वर्टिकल डिस्टेंस एंड रिलेटिव हाइट ऑफ द, अभी बताया था स्टार्टिंग में लेवलिंग, लेवलिंग क्या होती है, हम किसी पॉइंट की रिलेटिव हाइट निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है, पोजिशन नहीं उसकी हाइट, उसी को लेवलिंग सर्वे कहते हैं। एक टैकोमेट्री है, इसका भी अलग से टॉपिक है आपका सिलेबस में। ये लेवलिंग हो गई आपकी स्टाफ और थियोडोलाइट की हेल्प से, ये आपका होता है स्टाफ और ये होता है थियोडोलाइट। ये आपका एक मेथड होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, जिससे हर पॉइंट का हमने आर एल निकाला है, रिड्यूस लेवल होता है, रिड्यूस लेवल का मतलब होता है किसी भी पॉइंट का बेंचमार्क से या डेटम से उसकी हाइट। ठीक है, और डिटेल में इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं। फोटोग्रामेट्री, नाम से पता चला कि फोटोग्राफ ले रहे हैं, हम एरियल फोटोग्राफ लेते हैं, उसकी हेल्प से सर्वे करते हैं। ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसमें आप क्या होता है आपका कुछ वेव्स होती हैं जिनके ट्रेवल टाइम से हम यूज करके हम कितना ट्रेवल टाइम ले रही हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने से रिफ्लेक्ट होके वापस रिटर्न आने में कितना टाइम ले रही है, इस टेक्निक को की हेल्प से हम वहाँ पे हम लीनियर मेजरमेंट भी निकाल सकते हैं। ये फोटोग्रामेट्री का आप देखिए, एक एरियल व्हीकल से फोटोग्राफ लेके ग्राउंड का और सैटेलाइट की हेल्प से हम इन चीजों को करते हैं। इसके ऊपर पूरा एक ही फिफ्थ यूनिट है आपकी, फोर्थ नहीं थर्ड यूनिट है आपकी फोटोग्रामेट्री। ईडीएम भी आपका अलग से एक टॉपिक है, इसका भी ये सारे इन्हीं टॉपिक के ऊपर आपका एक एक चैप्टर है। ये हो गया बेस्ड ऑन, अभी तक इंस्ट्रूमेंट पे था, बेस्ड ऑन मेथड, ट्रायंगुलेशन मेथड नाम से पता चल रहा है, ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया हमने प्लॉट को, फील्ड को। ट्रेवर्सिंग दो तरह की होती है, ओपन और क्लोज। ट्रेवर्सिंग से पता चलता है किसी एक चीज को हम फॉलो कर रहे हैं, हम लाइंस को फॉलो करते हुए ट्रेवर्स कर रहे हैं, ये अगर क्लोज हो जाती है तो इसे क्लोज ट्रेवर्स बोलते हैं, और ये अगर ओपन रहती है, ओपन रेलवे ट्रैक रोड इन सब का सर्वे करते हैं तो यहाँ पे ओपन रहती है, वहां पे ओपन ट्रेवर्स कहलाता है। इसके ऊपर भी आपके न्यूमेरिकल आते हैं जो डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस, जियोलॉजिकल सर्वे,
इन दिस बोथ सरवेस एंड सरफेस डिजर्विंग आर कंडक्ट टू लोकेट डिफरेंट मिनरल्स एंड रॉक्स एडिशन। तो जियोलॉजिकल चीजें अगर हम लोकेट करते हैं, उनका मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट यानी कि उनके फीचर्स को मेजर करते हैं और उनका मैप में उसको शो करते हैं, उसको जियोलॉजिकल सर्वे कहते हैं। ये जियोलॉजिकल सर्वे। माइन सर्वे में माइन से रिलेटेड कहाँ पे कौन सी माइन है उसको एक्सप्लोर करते हैं, मेजरमेंट करते हैं और उसको मैप पे शो करते हैं, तो माइन सर्वे होता है। आर्कियोलॉजिकल से रिलेटेड चीजों को अगर हम मैप पे दिखाएं सर्वे करके, मिलिट्री से लेकर जब बाउंड्री लोकेटेड एरिया इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एप्लीकेशन मिलिट्री का हम करते हैं, तो वहां पे हम मिलिट्री सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का एग्जाम्पल है, ये मिलिट्री सर्वे का एग्जाम्पल है। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड, फील्ड कैसा है उसके बेस पे, लैंड है तो लैंड सर्वे, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे समुद्र में पानी के ऊपर जो सर्वे करते हैं तो हाइड्रोलॉजिकल सर्वे कहेंगे उसको। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल जो हैवी बॉडीज हैं उनका हम स्पेस में जब करते हैं सर्वे तो उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल। एरियल सर्वे, जब हम एरियल एरियल हम एयर में जाके सर्वे करते हैं फोटोग्राफ की हेल्प से, एरियल सर्वे कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे का एग्जाम्पल ये है, ये हैवी बॉडीज स्टार्स सन्स मून्स गैलेक्सीज इनकी पोजिशन लोकेट करते हैं। एरियल सर्वे में हम जिस तरह से फोटोग्राफ लेते हैं हम फिर उसको करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ रहा है आपका मैप और प्लान में डिफरेंस, इसको पढ़ लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक होगा आज का। वन ऑफ द बेसिक ऑब्जेक्टिव, ये तो पता है कि ऑब्जेक्टिव सर्वे का क्या है, मैप और प्लान बनाना मेन ये है, किसी भी लैंड का किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट लेकर उसको उसका प्लान और मैप बनाना। अभी मैप और प्लान में डिफरेंस क्या है, प्लान हमेशा यूज होता है किसी बिल्डिंग किसी एक स्ट्रक्चर का टॉप व्यू जो होता है, मैप हमेशा थोड़े बड़े एरिया का आता है, फिर भी पढ़ लेते हैं इसको। द प्लान इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम स्केल ऑफ द फीचर और नियर और बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ सच इज प्रोजेक्टेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन इज रिप्रेजेंटेड प्लेन ऑफ ड्रॉइंग शीट विच द प्लेन इज ड्रॉन सम स्केल ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ कर्व कैन नॉट रिप्रेजेंट द प्लेन विदाउट डिस्टॉर्शन। द प्लेन सर्विंग इन्वॉल्व स्मॉल एरिया कंसिडर प्लेन हैंस द प्लेन कंडक्शन ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्ट द प्लेन इज द ड्रॉन रिलेटिव लार्ज स्केल एरिया। समझ रहे हो आप, यही लैंग्वेज आपकी मैप के लिए है, बस वहां लार्ज एरिया का होता है या स्मॉल एरिया का है। किसी भी ऑब्जेक्ट का या उसके पास की चीजों को डिटेल को हमें एक प्लेन एक शीट पे हमें ड्रॉ करना है, कोई स्केल यूज करना है, ठीक है। स्केल कैसे यूज करेंगे, जो मैंने बताया था अगर 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर की शीट थोड़े लोगे आप, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये स्केल यूज करना पड़ेगा आपको कोई भी प्लान और मैप बनाने के लिए। और प्लान जो है उसमें हम लार्ज स्केल यूज करते हैं। बड़ी अच्छी ट्रिकी क्वेश्चन है कि लार्ज स्केल क्या है स्मॉल स्केल क्या है। अगर मैं दो स्केल लिखूं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो इसमें से लार्ज स्केल कौन सा है और इसमें स्मॉल स्केल कौन सा है, कैसे बताओगे आप, है ना। तो इसमें जब एक प्लान हम ड्रॉ कर रहे हैं, प्लान हम किसका करते हैं, स्मॉल एरिया का, तो स्मॉल एरिया में स्केल क्या होगा हमारा, ये वाला होगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, है ना। और लार्ज स्केल में क्या होगा, ये स्मॉल स्केल में क्या होगा, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो सेम मैप किसको बोलेंगे, सेम इसी तरह की चीजों को लेकिन हम बड़े लेवल पे। इफ द स्केल ऑफ द ग्राफिकल प्रोजेक्शन ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज स्मॉल, देखा इसमें स्केल स्मॉल है, उसमें स्केल क्या था, लार्ज था। द प्लान इज कॉल्ड ए मैप, प्लान को ही मैप बोल रहे हैं अगर हम स्केल क्या कर रहे हैं, स्मॉल यूज कर रहे हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉल्ड प्लान इफ द स्केल लार्ज कॉल्ड मैप ऑफ द स्केल इज स्मॉल, तो मैप, ठीक है, समझ गए ना। स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल किसे कहते हैं, ऑन ए प्लान। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, शीट है हमारे पास, दो शीट है इक्वल साइज की, A4 साइज की, और यहां पर है एक बिल्डिंग, ठीक है, जिसका साइज है 20 मीटर बाय 40 मीटर, और एक यहां पे लैंड है जिसका साइज है 10 किलोमीटर बाय 50 किलोमीटर। अब इसको हमें इसका प्लान ड्रॉ करना है, तो इसमें हम क्या लेंगे, 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्केल लिया और इसको हम इसको ड्रॉ कर देंगे शीट पे। लेकिन इस वाले इतने बड़े एरिया को जब यहां ड्रॉ करना होगा तो यहां 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। तो ये स्मॉल स्केल है, बड़ी चीज को बड़े बहुत स्मॉल यूनिट में हम देख रहे हैं यहाँ पे,
और यहाँ पे कम इतनी ज्यादा स्मॉल यूनिट में नहीं देख रहे, लार्ज स्केल है, लार्ज स्केल जहाँ यूज हो रहा है वो प्लान, और जहाँ स्मॉल स्केल यूज हो रहा है वो मैप कहलाता है। ठीक है, तो ये था आज का आपका लेक्चर जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग और प्लान वर्सेस मैप था। तो कोई भी डाउट हो तो डाउट लेक्चर आपका होगा उसमें आप डाउट पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए थैंक यू।